अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका खैर मकदम है 10 News 247 पर। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह, बैतुल खैर की कोशिश, एक जिद्दोजहद जो थी वो अल्हम्दुलिल्लाह समझिए कि हमारी कोशिश है, वो पूरी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। हम अब इस वक्त उस मासूम लड़की के साथ है जिसको आप लोगों ने जेल के बाहर अपनी माँ के साथ, माँ के लिए रोते तड़पते बिलबिलाते हुए देखा। जी हाँ मेरे भाइयों, आज हम उसी मासूम के साथ हैं, मेरे साथ आप देख सकते हैं। तो कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बिल तो हो गई, उसके साथ साथ कुछ तोहफे तायफ जो है ना हम उस मासूम के लिए लाए हुए हैं जो इंशाल्लाह अपनी इस मासूम को देंगे। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, खैरियत? जोर से बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा, फातिमा आप कहीं को रो रहे थे बेटे? अम्मी के वास्ते रो रहे थे। अब खुश है आप, अम्मी तो आ गए ना आपके, दुआ करते हम लोगों के वास्ते। आप अच्छा पढ़ते ना बेटे? हम वहाँ मुल साहब से आप मिल लेते जाते, मुल साहब को बोलते हम जाके, ठीक है? मुल साहब को बोलने के बाद उन्होंने दिलाते, मैं हूँ बेटे, कुछ भी आपको होना है तो मेरे को बोलो, ठीक है? मैं न्याय तो भी वहाँ से भिजाता हूँ। आपको कुछ भी होना रहा तो मेरे को बोलो, अगर यहाँ पे नहीं भी सुने तो मैं भिजाता हूँ आपके वहां से, ओके? मगर आप अच्छा पढ़ो बेटे, नहीं पढ़ के जो है ना गंदे हो आप। पढ़ते ना, पढ़ना बेटा अच्छा पढ़ो, मदरसे में पढ़ो, वो आपको कुरान सिखाते, नमाज पढ़ना सिखाते। अच्छी लाल है, मैं खराब हो गई, मेरी मजबूरी क्या है कि क्या नहीं, नहीं मानो। नहीं देखो अम्मा खाजा भी, मेरी एक बात आप याद रखो, मदरसा माँ का गोद, बच्चों की पहला मदरसा बोले, मतलब क्या बोलते हैं पुष्टा काल, क्या बोलते तेलुगु में, तेलुगु में क्या बोलते हैं कि मेरे को याद नहीं आ रहा। बहरहाल बच्चों पे असर माँ बाप का होता, आप लोग अच्छा उनके सामने रहना, आप लोग अच्छा पढ़ाए अच्छा करे तो लगा पढ़ते, उन लोग आप छोड़ दिया वैसी आप लोगों के कामों में, आप लोग रह गए बोलो तो बेकार है। शैतान वही छोटा, बच्चों स्कार्फ लगाओ, मैं स्कार्फ भी लिया लेकिन भूल के आ गया, अभी रहने दो, हमेशा लगा के रखो, बाहर भेजो तो भी लगा के रखो। हम जाना हम लोग क्या नाम है हमारा बोलो, नहीं मालूम? तकीउद्दीन, तकी भैया, कुछ भी आपको जरूरत है तकी भैया है, आप फोन करो, नंबर है मामा के पास, आपको कुछ भी जरूरत है बेटे मेरे को फोन करो। हाँ नहीं यहाँ पे रहना दिल नहीं बोल रहा तो आप बोलो, मैं ले लेके चले जाता हूँ, मेरे घर में रख लेता हूँ आपको, अच्छा मैं वहीं वहीं पढ़ा लेता हूँ, पूरा बड़े हुए तक पूरा मैं देख लेता हूँ। भाई बोले तो मेरे और एक भाई भी है भैया, उन्होंने भी जो है ना लालियो बोले, फातिमा को यहाँ ला लो पूरा मैं देख लू, तो फातिमा को बोले हम आते, फिर देखो जी बच्ची आ तुम ले लेके जाओ, खाजा भी ले जाओ बच्ची को तुम्हारे, हाँ बाबा ने भेजते पर तुम्हारे, कभी भी कुछ भी है कुछ भी रहा अम्मा तुम्हारे को नहीं छोड़ो, छोड़ो छोड़ो, बच्चे की छोटी उम्र है जो है ना, आपसे मदरसे में पढ़ी तो क्या है, बच्ची क्या है सीधा रास्ता मिलता है अच्छा रहता है, रेगुलर जो है ना बच्ची को अच्छा ले जाके मदरसे को छोड़ो, जिम्मेदारी से पढ़ लें दे बच्ची, बराबर पढ़ा दो मदरसा में, कभी आगे भी कुछ भी जरूरत पड़ी, हमारी मदद की जरूरत है, कुछ भी है तो फोन करो, ठीक है? फातिमा के वास्ते आते हम लोग, अम्मी के वास्ते नहीं, तुम्हारे वास्ते आते बेटे, ज्यादा जो है ना तुम्हारे को यहाँ पे रहने को दिल नहीं हो रहा तो बोलो, मैं आके मेरी बहन को